जिसका जन्म होगा वो मरेगा। हमने कल तुम्हें बताया, एक आदमी हमारे पास आया, बोले गुरुजी ऐसा, बहुत बड़ा एक्टर आया, बोला गुरुजी ऐसा भविष्य बताओ जो कभी कटे ना, आपकी लेखनी कभी कटे ना। हमने भी पेन कागज लिया और लिख दिया, मरना पक्का है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। ये भविष्य ऐसा है जो कभी नहीं कटना, बोलो सीताराम। तो जिसका जन्म हुआ वो मरेगा, हाँ जी या ना जी? भाई अशोक नगर वालों को ब्रह्मा जी ने सर्टिफिकेट दे रखा हो तो जरा हाथ खड़े करो। अच्छा तुम मान लो है कि नहीं मरोगे? अरे सबकी आऊ ने भैया, हद तो जे हो गई। कई बार लोग हमारे पास आते, गुरु जी हम मरना चाहिए। अब उन्हें क्या कह दें कि जो पर्चा बनावे वारो है, जिनके पास तुम हाथ जोड़ के आए कि गुरु जी मरना चाहिए, वे गुरु जी भी एक दिन तपने हैं। ये कौन ऐसा संसार में जो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। तो फिर महाराज क्या करें? अब ये बात प्रश्न उठता है कि क्या करें जब मरना है। तो भाई उत्तर इसका एक ही है कि जीते जागते भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर लो, जिस भक्ति से जीते जी आप मुक्त हो जाओ। हाँ, अब महाराज पर ये मन बड़ा खतरनाक है। कथा में तो दो तीन घंटा जबरदस्ती बैठता है, रात को रामायण पढ़ने को ले लो तो नींद आती है, और गंदे गंदे गाना देखो तो पूरी रात नींद नहीं आती। क्या किया जाए? ये मन बड़ा खतरनाक है, इस मन को खूंटी से बांधना पड़ेगा, लेकिन संसार की खूंटी से खोलना भी पड़ेगा। कैसे? ऐसे समझो, एक बार अशोक नगर के दो आदमी वृंदावन गए, चंगीलाल मंगीलाल। अशोक नगर में रहते चंगीलाल और मंगीलाल, वृंदावन गए। वृंदावन में दर्शन करके दोनों का मूड बना के दिल्ली जाएंगे, पर दिल्ली रेलगाड़ी से नहीं, जमुना जी दिल्ली से ही निकली हैं तो नाव से जाएंगे। अब लो अशोक नगर का आदमी होता ही उल्टा, भाई रेलगाड़ी चल गई रेलगाड़ी पकड़, लेकिन नहीं, जमुना जी दिल्ली से निकली तो नाव से जाएंगे। नाव से कहे ठीक है, नाव से जाओ, शाम के समय इतनी इतनी भांग को गोला खाओ दो जन, अब चो चलना है। बढ़िया लुचई खाई, पूरी खाई, आनंद लिया, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोली और नाव पे बढ़िया बैठ गए। पूरी रात नाव चलाई, पूरी रात, कभी ये थक जाए तो हाँ भाई मंगीलाल पकड़, सो मंगीलाल नाव चलाए, हाँ भाई चंगीलाल तू पकड़, सो चंगीलाल नाव। पूरी रात पसीना से तर बतर, प्रातः काल हुई, एक शहर जैसा दिखा। सुबह के टाइम लोग घूमने आए तो दोनों ने पूछा, भाई कौन सा शहर है? जवाब सुन के इनको हार्ट अटैक आ गया, बोले वृंदावन। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि रात को चले कहां से थे, तो बोले वृंदावन से। तो बोले रात भर में आए कहां, बोले वृंदावन। कहीं जमुना जी गोल गोल तो नहीं है? अब दोनों का दिमाग खराब, मंगीलाल ने कहा हो सकता ये झूठ बोलता हो, दूसरे से पूछो, इधर आ भैया, इधर आ, इधर आ, ये बताओ ये कौन सा शहर है, कौन सी सिटी है? उसने भी कहा दिखाई नहीं पड़ रहा, श्रीधाम वृंदावन है। अब तो दोनों को दिमाग खराब, ये भी वृंदावन कह रहा, वो भी कह रहा, ये थोड़ा ताव में कह रहा जरूर वृंदावन है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, पर रात भर चलते कहां रहे? अगर वृंदावन के वृंदावन में है तो रात भर चलते कहां रहे? लेकिन जब नाव में पीछे मुड़कर देखा तो नाव तो रात भर चलाई, जिस खूंटी से नाव बंधी थी वो रस्सी खोलना भूल गए। तो नाव तो चलती रही,
पर खूटी में रस्सी बंधी रही तो ज्यों के त्यों रहे। यही हाल हमारा तुम्हारा है कि जिंदगी भर सीताराम सीताराम राधे श्याम राधे श्याम करते रहते हैं, लेकिन मन संसार की वासना में ही लिप्त रहता है तो वो भगवान रूपी मंजिल नहीं मिलती है। जो सज्जन गुरु कृपा से संतों का संग करके अपने मन की खूंटी को गोविंद की खूंटी से जोड़ देते हैं, उन्हें गोविंद रूपी मंजिल प्राप्त हो जाती है।